नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के स्टूडियो में तो आपको ले चलेंगे काशी कॉरिडोर गंगा द्वार के पास स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, जिसे नेपाली टेंपल भी कहा जाता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शिव की नगरी काशी में ललिता घाट पर मिनी नेपाल बसता है और काशी कॉरिडोर गंगा द्वार के पास पहुँचने से पहले जलाशयन घाट के बगल में स्थित भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर दोस्तों नेपालियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। काशी के इस मंदिर का संरक्षण का काम दोस्तों नेपाल सरकार ही करती है। काशी जहां माँ गंगा के तट पर बसी है, तो वही काठमांडू शहर जहां पर मेन पशुपतिनाथ मंदिर है दोस्तों, वो बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। काशी के पशुपतिनाथ मंदिर की नक्काशी बिल्कुल नेपाल के मंदिर के नक्काशी के हूबहू है दोस्तों। इसके अलावा दोनों मंदिर के भव्यता भी एक जैसी ही है। तो आपको हम मंदिर के पास ले चलेंगे और वहाँ पर पशुपतिनाथ जी के दर्शन कराएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ललिता घाट के पास इसका ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पर दोस्तों बगल में काशी कॉरिडोर है और उसके बगल में मणिकर्णिका घाट। तो यहाँ पर ये वार्निंग लिखी गई है कि जो जो लोग सौदाह में सम्मिलित हुए हैं, वो कृपया करके इस मंदिर में प्रवेश ना करें, वो स्नान ध्यान करके ही प्रवेश करें। ये देखिए प्रवेश द्वार है और ये सीढ़ियों से ऊपर होता हुआ आगे हम बढ़ेंगे और आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर टूरिस्टों के लिए रिक्वेस्ट है कि वो 20 रुपये पे करें, जिससे इस मंदिर का रख रखाव किया जा सके दोस्तों। तो आपको बता दें कि ललिता घाट पर स्थित यह मंदिर दोस्तों अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है और मंदिर का निर्माण काशी के अन्य शिवालयों की तरह पत्थर से नहीं दोस्तों, बल्कि नेपाली लकड़ी के प्रयोग से हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं मंदिर बिल्कुल कितना बेहतरीन लग रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था कि नेपाली लकड़ी से निर्मित यह मंदिर दोस्तों लोगों को खूब आकर्षित करता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर शिवलिंग है और ये देखिए यहाँ से गंगा जी के नज़ारे कितने बेहतरीन लगते हैं और देख सकते हैं गंगा में अभी सुबह के टाइम पर नावें चल रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था इस मंदिर के बारे में। तो मंदिर का निर्माण दोस्तों नेपाल से आए कारीगरों ने किया था। मंदिर निर्माण में प्रयोग की गई लकड़ी को भी राजा ने नेपाल से ही मंगवाया था। कारीगरों ने मंदिर में लगाई गई लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी को उभारा, आप देख सकते हैं। तो मंदिर के चारों तरफ लकड़ी का दरवाज़ा होने के साथ भित्ति से लेकर छत तक सब कुछ लकड़ी से बनाया गया दोस्तों, जो नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की याद दिलाता है। और दोस्तों मंदिर के भीतर गर्भगृह में पशुपतिनाथ के रूप में शिवलिंग स्थापित है, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे दोस्तों। तब तक आप ये देखिए नक्काशी कितनी बेहतरीन है और ये देखिए सामने मंदिर है और बगल में बहुत बड़ी घंटी लगी हुई है। और आपको बता रहा था कि मंदिर के गर्भगृह में पशुपतिनाथ के रूप में शिवलिंग स्थापित है और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन से वही फल प्राप्त होता है जो नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन से होता है। देखिए कितना बेहतरीन बाबा पे जल चढ़ रहा है और मूसक जी यानी गणेश जी भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप देख पाए तो। और अब ये मंदिर की नक्काशी को भी देखिएगा दोस्तों, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ लेकिन मेरा ध्यान इस मंदिर की नक्काशी पे नहीं गया था। अगर आप इसकी नक्काशी पे ध्यान देंगे तो आपका मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा और आप काफ़ी देर तक इन नक्काशियों का मतलब प्राचीन भारत में कितने बेहतरीन शिल्पियाँ थी जिन्होंने इस नक्काशी को उभारा है इस लकड़ियों पे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में स्थित इस मंदिर की कहानी भी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। इसके लिए आपको हम सीधे 19वीं सदी के काल में ले चलेंगे और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, यह नेपाली मंदिर नेपाली वास्तुशैली में बना हुआ है और बहुत पहले दोस्तों नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने वाराणसी में निर्वासन ले लिया था। उन्होंने निश्चय किया कि वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित पशुपतिनाथ मंदिर की तरह हूबहू एक शिव मंदिर
यहाँ काशी में भी बनवाएंगे। हालांकि उनके निर्वासन के दौरान मंदिर का निर्माण कार्य शुरू तो हो गया, पर इसे पूरा होने में पूरे 30 सालों का समय लग गया दोस्तों। और जब वो नेपाल लौट कर गए दोस्तों, तो उनके सौतेले भाई ने उनकी चाकू से मारकर हत्या कर। उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों मंदिर को उनके पुत्र राजेंद्र विक्रम शाह ने समय सीमा के 20 साल बाद बनवाकर पूरा कर दिया दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि इस मंदिर को दोस्तों काठ वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यह लकड़ी से बना हुआ है और आपको पता है ये काठ का मतलब लकड़ी होता है। ये मंदिर की रचना दोस्तों नेपाली कारीगरों की उत्कृष्ट शिल्प कौशल को बखूबी दर्शाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे छोटा खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये देखिए मैं अंदर प्रवेश किया हूँ इधर, ये देखिए ये उस समय का है जब नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे। और इधर से दोस्तों काशी कॉरिडोर को भी जोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं इधर से आप ये जा सकते हैं। और इस भाग को दोस्तों पशुपतिनाथ सेक्शन कहा जाता है और वो ऊपर खुदा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसे छोटा खजुराहो भी दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि इस लकड़ी के मंदिर में जो मूर्तियाँ खुदी हुई दोस्तों वो खजुराहो मंदिर की तरह ही है। आप यहाँ पर आकर उसे देख सकते हैं। और आपको बता दूँ इस मंदिर की खासियत दोस्तों कि लकड़ी से बने होने के बावजूद भी यह दीमक मुक्त है दोस्तों। और ये देखिए भव्य काशी कॉरिडोर, आप इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको फिर वही चप्पल नेपाली मंदिर के बाहर ही उतारना पड़ेगा और इधर से आप जा सकते हैं। ये देखिए पशुपतिनाथ संकुल से कहा जा रहा है, और यहाँ से देखिए मंदिर कितना बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी तो आपसे रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो आपको बता दें कि नेपाली मंदिर अभी ज़्यादा लोगों की लिस्ट में नहीं आता है, इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने इसके बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। और अगर आपको दोस्तों मेरा प्रयास सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं और भी अधिक वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित होता रहूँ और आपको ऐसे ही काशी के मंदिरों और रहे डेवलपमेंट को आपको दिखा सकूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव।